एक बार नैनीताल के जिलाधीश की कोठी में बाबा जी का दरबार लगा था। बाबा ने अचानक जिलाधीश को आदेश दिया कि इंदिरा फार्मेसी किसी को भेजकर वहां से इंद्राणी जी को बुलाओ। जिलाधीश ने तुरंत सिपाही को भेज दिया। श्रीमती इंद्राणी एक संपन्न घराने की विदुषी और साधु प्रकृति की महिला थी। 1947 में उन्हें पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। उस समय भी खेरी पालिया में उनका फार्म था, वे वहीं जाकर रहने लगीं। गर्मियों में नैनीताल आया करती थीं। इस समय जिलाधीश की कोठी के पास स्थित एक मकान में रहती थीं। पालिया में उनका खर्च इंदिरा फार्मेसी के पते पर आया करता था। इस बार पैसा नहीं आया तो उन्होंने कर्ज लेकर काम चलाना शुरू किया। उस समय भी इंदिरा फार्मेसी कर्ज लेने के लिए ही आई हुई थी। उस सिपाही ने अचानक श्रीमती इंद्राणी के पास आकर उनसे कहा कि आपको जिलाधीश की कोठी पर याद किया जा रहा है, तो वह घबरा गईं। सिपाही ने ढाढ़स बधाया, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ बाबा नीम करोरी ने बुलाया है आपको। श्रीमती इंद्राणी ने बाबा का दर्शन कभी नहीं किया था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बाबा ने उनका नाम लेकर उन्हें कैसे बुलाया। बहरहाल वो बाबा के पास गईं। उन्हें देखते ही बाबा प्रसन्नता से चिल्ला उठे, हमारी इंद्राणी आ गई। बाबा का दर्शन पाकर ही वो बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। बाबा ने दोनों हाथ उसके सर पर रख दिए और बोले, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन श्रीमती इंद्राणी का ड्राफ्ट आ गया और वह चिंता मुक्त हो गईं। ये घटना 1960 की है। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो सदा जय हो।